हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बॉस, कल की 2898 एडी मैंने आपसे कहा था इस फिल्म का अनऑफिशियल प्रमोशन स्टार्ट हो चुका है एंड नाउ दिस इज अगेन, ये उसी अपडेट के ऊपर एक और बड़ी अपडेट आई है। साथ साथ में इस फिल्म के रिलीज डेट से लेकर क्या कुछ नई अपडेट्स आई हैं, अब क्या चीज होने वाली है 8 मार्च को, हम लोग क्या चीजें देख सकते हैं, सब कुछ आपको बताऊंगी इस वीडियो में। वीडियो कंटेंट जरूर देखो, चैनल कर लो सब्सक्राइब। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि यार कल की का जो भी लोग बातचीत कर रहे थे कि यार कल की जो है ये पोस्टपोन हो सकती है, बिकॉज आपने देखा था सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ चलता ही रहता है वैसे प्रभास के अगेंस्ट, या फिर कह लो कि कुछ ना कुछ ट्रोलिंग वगैरह चलती रहती है। लेकिन होता क्या है, एट द एंड ऑफ द डे हमारे को ये कंफर्म हो जाता है बार बार कि इस सब से ये पता चलता है कि कल्कि कितना बड़ा ब्रांड ऑलरेडी बन चुकी है। नॉट जस्ट दैट, हम लोग रोज एक अपडेट देखते हैं, चाहे वो सेट्स पे से आती हो, चाहे वो अनऑफिशियली कोई बताता हो, चाहे वो डबिंग का काम चल रहा था वो वाली अपडेट थी, कुछ भी चीज थी, एवरीथिंग एवरीथिंग इज एडिंग अप टू दिस प्रमोशन ऑफ कल्कि। एक चीज इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताई थी, 8 मार्च, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? 8 मार्च इज बेसिकली महाशिवरात्रि, और महाशिवरात्रि पर उस वाले दिन पर कोई ना कोई बड़ी अनाउंसमेंट, साउथ इंडस्ट्री का एक ना चलन रहा है शुरू से कि जो बड़े दिन होते हैं ऐसे ऑस्पिशियस डेज होते हैं, जैसे महाशिवरात्रि हो गई या दशहरा दिवाली हो गई या संक्रांति पोंगल हो गया, ये सब चीजें जो है ना कोई बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स के दिन होते हैं। और 8 मार्च इज महाशिवरात्रि, जिस दिन पर हम लोग ये 100% मान के चलो कि कल्कि का कोई ना कोई कॉन्टेंट ड्रॉप होगा। ओके, इट कुड बी अ पोस्टर, आई एम नॉट श्योर अबाउट अ वीडियो कॉन्टेंट। जगह जगह बात हो रही है टीजर की, जगह जगह बात कहीं पर ट्रेलर की भी हो रही थी, लेकिन मैं अभी भी इस न्यूज पर कंफर्म आपको नहीं कह सकती हूँ कि वीडियो कॉन्टेंट आएगा, लेकिन एक बड़ी अनाउंसमेंट, एक बड़ी अपडेट आनी जरूर है। और अगर पोस्टर आ गया तो चेरी ऑन द टॉप, और अगर कोई वीडियो कंटेंट आ गया, अब आज के टाइम में ना वीडियो कंटेंट में एक और चीज आ गई, दैट इज द बीटीएस बिहाइंड द सीन्स। और ये बीटीएस हमने एक कल भी देखा है जिसके चलते कल की ट्रेंडिंग ऑन टॉप, कि आई थिंक दैट इज प्रभास ओनली, जिसमें प्रोडक्शन हाउस की तरफ से रिकन्फर्म कर दिया गया है कल की 2898 एडी ऑन 9th of May 2024, मतलब रिकन्फर्मेशन आ चुकी है अबाउट दिस फिल्म। ठीक है, एक हम वो वीडियो देखते हैं जिसमें देर इज अ फुट और वो ऐसे 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 स्विंग हो रहा है, एंड माना यही जा रहा है कि कल्कि के सेट्स का वो सीन है, एंड दैट इज प्रभास ओनली। बट देन जो मेन चीज है, क्रक्स ऑफ द स्टोरी है, दैट इज द रिलीज डेट ऑफ दिस मूवी, की रिलीज डेट कहीं नहीं हिल रही है, वहीं की वहीं सेम है, उसमें कोई बड़ा चेंज नहीं आने वाला है। सो गियर अप फॉर दिस, गियर अप फॉर कल्कि रिलीज। अभी जो भी आपसे कोई अगर ऐसी बात बोलता है कि कल्कि पोस्टपोन होने वाली है, कल्कि से रिलेटेड कोई और न्यूज जो है वो आती है कि जिसमें हमें पता चलता है अभी तक तो बहुत सारा काम बाकी है, भाई VFX का तो हुआ ही नहीं कुछ भी काम, डू नॉट बिलीव ऑन ऑल दोज रूमर्स, वो सारे के सारे रूमर्स हैं, एक्चुअली ये रिकन्फर्म हो चुका है अब एक बार फिर से प्रोडक्शन हाउस की तरफ से, दैट यू नो जस्ट गियर अप फॉर यू नो 9th of May, एंड दैट इज द क्रक्स ऑफ द स्टोरी। सारा कुछ जो मैं आपको बता रही हूँ, क्रक्स उसका यही है कि यू नो रिलीज डेट कन्फर्म्ड है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि अनऑफिशियल प्रमोशन स्टार्ट हो चुका है सोशल मीडिया पे। फिर चाहे हमारे को ये सारे पोस्ट दिखते हो, बीटीएस वीडियो दिखता हो, कोई ना कोई यू नो कोई ना कोई कोई बात बोल रहा है, कोई स्टेटमेंट आ रही है कहीं से कि कल्कि विल चेंज द कोर्स ऑफ, जो दुलकर सलमान की एक स्टेटमेंट थी दैट इट इज गोइंग टू चेंज एंटायर सिनेमा फॉर एवर, बिकॉज उसमें जिस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज की गई है, जो कहानी यूज की गई है, जो थॉट है, दैट इज नेवर सीन बिफोर। सो भैया, मतलब every passing day Kalki is becoming a hot cake for the exhibitors। अब ये सोचो exhibitors कितने ज़्यादा excited हैं, जो overseas से भी news आ रही थी कि overseas से भी जो exhibitors हैं वो भी इस वक्त पर किसी भी मनमानी मुंह मांगी डील को लेने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, क्योंकि सलार का जो response rate आया था, जो सलार ने करके दिखाया on the ग्लोबल प्लेटफॉर्म, वो चीज यहाँ पर रेप्लीकेट क्या डबल ट्रिपल टाइम्स हो सकती है विद कल्कि। मतलब बहुत बड़े आस्पेक्ट्स हैं, बहुत बड़े यहाँ पर नजर आ रहे हैं उनको कि इट कुड अनलॉक द एंटायर मार्केट वंस अगेन। एंड ऑफकोर्स जब प्रभास की बात होती है तो प्रभास तो भैया ऑलरेडी ग्लोबल सबसे बड़े पैन इंडिया स्टार हैं, जो कि साउथ के टॉलीवुड के माने जाते हैं। तो अभी इस वक्त पे यू कैन से दैट यू नो सेफली से दैट यू नो कल्कि जैसे आएगी, जब रिलीज होगी, भाई बॉक्स ऑफिस की वाट लगने वाली है, लिटरली उड़ने वाला है, क्योंकि इतनी बड़ी रिलीज और इतने बड़े स्केल पर रिलीज जो है शायद हमने किसी और फिल्म की देखी नहीं होगी। सो आई एम गियरिंग अप फॉर कल्कि। डेट फिक्स्ड है, 8 मार्च को कुछ बड़ा आने वाला है, डांस स्टेप्स वगैरह हो रहे हैं, मतलब जो दिशा पाटनी के साथ डांस है, एक एक सॉन्ग है, वो सब कुछ रैप अप हो चुका है, डबिंग चल रही है, ऑल ऑफ इट इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। नाग अश्विन इज नॉट इन अ मूड ऑफ एनी कॉम्प्रोमाइज इन टर्म्स ऑफ कॉन्टेंट, ठीक है, VFX कॉन्टेंट किसी भी चीज पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला है। क्लाइमैक्स से रिलेटेड मैंने आपको एक न्यूज दी थी, क्लाइमैक्स इसका ऐसा होगा नेवर सीन बिफोर। सो भैया सब कुछ कंबाइंड टुगेदर कल्कि इज बिकमिंग अ जायंट। ओके, सो क्या लगता है आपको, आपका इस सब पे क्या कुछ कहना है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स।